संभल में नवरात्र व्रत के बाद कूटू खाने से 14 लोगों की हालत बिगड़ी है। फूड पॉइजनिंग के बाद 8 लोगों को इलाज को गुन्नौर CHC में भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग की घटना धनारी थाना के कस्बा धनारी की है, जहां 2 परिवार के लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। पीड़ितों का शरीर सुन्न हो रहा है, जी घबरा रहा है तथा हाथ पैर बिल्कुल बेजान हो गए हैं। पीड़ितों की माने तो उन्होंने रात को कूटू के आटे की पूड़ी खाई थी। 8 लोगों को गुन्नौर CHC में भर्ती कराया गया है, बाकी का प्राइवेट इलाज चल रहा है। इधर CHC प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि सभी का इलाज किया जा रहा है, यदि किसी को आवश्यक हुआ तो रेफर किया जाएगा। उधर फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद भी जिले का खाद्य महकमा चुप्पी साधे हुए है। महकमे ने कूटू के आटे के सैंपल तक नहीं लिए हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कहाँ रहती है? क्या हुआ है आपके, क्या दिक्कत हुई है? मैंने रात कूटू के आटे की पूड़ियाँ खाई थी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई। तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? उल्टियाँ हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। कूटू का आटा कहाँ से खरीदा था आपने? दुकान से, धनारी से। ये खुला था या पैक था आटा? ये पैकिंग वाला था। पैकिंग वाला था। तो कुल परिवार के कई लोग और बीमार हैं आपके, आपके अलावा? मेरे अलावा हम सब 11 लोग हैं। 11 लोग हैं, और कोई परिवार भी है पड़ोस का? एक परिवार और है पड़ोस का। वो लोग कहाँ हैं? वो आ रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है आपको? उल्टियाँ हो रही हैं और घबराहट हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कमजोरी आ रही है। डॉक्टर, धनारी से कुछ लोग आए हैं, बीमार हैं, हाथ पांव में सुन्नीपन बता रहे हैं, दिक्कत है उनको, क्या है पूरा? कितने लोग आए हैं आपके? मेरे अस्पताल में 8 लोग अभी आए थे, जिनका मैं प्राथमिक उपचार वगैरह कर रहा हूँ। उनके प्राथमिक उपचार में मैंने ये पाया कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, और उनका जैसे मैंने जानकारी उनसे की तो बताया कि उन्होंने कल रात को कूटू के आटे का प्रयोग किया था खाने में, और पपीता वगैरह लिया था, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने खाने पीने में ली, जिससे उनको फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग होने के बाद उनको जो दिक्कत परेशानी हुई, उसके बाद उनको उल्टियाँ वगैरह हुई, तो एम्बुलेंस 108 के माध्यम से मेरे आए हैं 8 लोग, जिनका मैं उचित और उनका बढ़िया तरह से जो भी हो सकता है मैं उपचार दे रहा हूँ। और उपचार देने के बाद अगर उनकी स्थिति सामान्य है इस समय, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं उनको रेफर कर दूंगा हेड सेंटर। अच्छा डॉक्टर साहब, बताया जा रहा कि संख्या कुछ अधिक है मरीजों की, कुछ जानकारी हुई? मुझे जानकारी हुई है जिन परिवार के लोग आए हुए उनके माध्यम से कि कुछ और भी लोग हैं, जो लोग और अपना दूसरे अस्पताल, निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं।